गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? यस गुड मॉर्निंग सर. ओके ओके. गुड मॉर्निंग. यस मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. ओके, नाउ म्यूट योर माइक. ओके, अभी आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए. सो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू वीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम. Myself Sandeep Patle sir. Today in our general science class we will learn about new topic of chapter number 6. In last week we have learned about in chapter 6, what is the name of chapter 6? Substance in daily use. Okay, so students, before coming to the new topic, let's review our last topic. So what is our last topic? Last week we will learn about classification of substance. In last week we have learned about substance and object. So bachcho, substance kya hota hai aur object kya hota hai, humne iske bare mein last week mein dekha. सब्सटेंस यानी कि हमने देखा कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी वस्तु जो है वो किससे बनी होती है, किसी ना किसी वस्तु पदार्थ से बनी होती है. जैसे हमने देखा कि हम लोग जिस चेयर पर बैठते हैं वो या तो प्लास्टिक की होती है या फिर किस चीज़ की होती है, लकड़ी की होती है. तो लकड़ी ये एक पदार्थ हो गया और उससे बनने वाली जो चेयर है वो क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया. इस तरीके से हमने देखा कि सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है. और उसके बाद हमने देखा कि सब्सटेंस ये कितने टाइप्स के होते हैं. हमने उसको यूज के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफिकेशन किया था. कुछ जो सब्सटेंस है वो मैनमेड सब्सटेंस होते हैं और कुछ जो सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं नेचुरल सब्सटेंस. ओके, तो बच्चों, टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा. Student, can you tell me what things or material we use in for our study purpose? बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि आप जो है स्टडी के लिए क्लास में हो या चाहे घर में हो, आप किस किस मटेरियल का यूज करते हो? एक एक करके आंसर देंगे. आप अपने स्टडी के लिए किन किन चीजों का उपयोग करते हो? हेलो स्टूडेंट्स, हाँ बच्चों, वेरी गुड. ओके ओके. हाँ बच्चों, हाँ आप आंसर देके अपना माइक म्यूट कर दीजिए. ओके, हाँ तो आपने जैसे, ओके स्टूडेंट, आपने जैसे बताया, बच्चों माइक म्यूट कर दो अभी. हाँ, आपने जैसे बताया कि हम स्टडी के लिए बुक यूज करते हैं, नोटबुक यूज करते हैं, स्केल, पेन, पेंसिल, ये सब जो है मटेरियल हम यूज करते हैं. तो बच्चों, हम लोग यूज तो कर लेते हैं, बट क्या हमें पता है कि ये जो वस्तुएं हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे पास कैसे आता है, ये कैसे बनती है, पता है क्या हमको? नहीं, हम सिर्फ दुकान से लेते हैं और उसका यूज करते हैं. वी ओनली यूज दिस थिंग, बट कैन एनीवन टेल मी व्हाट, हाउ इट इज मेड, ये कैसे बनता है, कोई हमें पता था, किसी को मालूम है? तो अगर जिसे पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के लेसन में जो है हम वही सीखने वाले हैं कि प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस, यानी ये जो सब्सटेंस है, जिन सब्सटेंस से ये जो ऑब्जेक्ट बनते हैं, हम जो वस्तुएं यूज कर रहे हैं वो कैसे तैयार होता है ना. जब वो सब्सटेंस बनेगा तभी तो हम उसे, वो जो ऑब्जेक्ट हम लोग यूज कर पा रहे हैं, बुक, पेन, पेंसिल, तभी तो हम वो बना पाएंगे ना. इसीलिए सबसे पहले हमें देखना है कि वो जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस यानी मैंने क्या बताया था, मटेरियल, जैसे लकड़ी हो गया, मिट्टी हो गया, है ना, पत्थर हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो ये सब क्या है, सब्सटेंस यानी कि मटेरियल. तो ये बनता कैसे है, ये जो है बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बनता है ना, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो आज हम इस लेसन में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, देखिए, फर्स्ट है रबर, है ना. हम लोग इरेजर यूज करते हैं डेली लाइफ में, भी हम लोग रबर की बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं जो है यूज करते हैं, है ना.
चप्पल हो गया, जूता हो गया, इलेक्ट्रिक के वायर देखेंगे आप, रबर का कोटिंग होता है ना, और जो हम लोग गाड़ियाँ यूज करते हैं, साइकिल हो, बाइसिकल हो, मोटरसाइकिल, बड़े बड़े ट्रक, इनमें जो टायर यूज होता है वो भी रबर से बना हुआ होता है। तो ये रबर कहाँ से आता है ना। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे पेपर, हम लोग जो बुक नोटबुक यूज करते हैं, वो जो पेपर यूज होता है वो पेपर कैसे बनता है। ओके बच्चों, उसके बाद थर्ड है सिंथेटिक फाइबर और फ्रेट, यानी सिंथेटिक फाइबर हम लोग कपड़े पहनते हैं, है ना, तो वो कुछ कपड़े जो है कॉटन के बने होते हैं, कुछ कुछ जो है टेरिकॉट होता है, कुछ नायलॉन होता है, तो अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं। तो वो जो कपड़े जो जिस धागे से बने हुए होते हैं उस धागे को बोलते हैं फाइबर्स, फाइबर्स और थ्रेड्स। तो वो किस तरीके से तैयार होते हैं वो हम इस आज के लेसन में देखने वाले हैं। तो बच्चों फर्स्ट है रबर। ओके, तो हम डेली लाइफ में जो है रबर से बनी हुई बहुत सी चीजें यूज करते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि रबर इज ऑफ टू टाइप, रबर के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट इज नेचुरल रबर एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल रबर। तो नेचुरल रबर कैसे बनता है वो हम देखेंगे, उसके बाद सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड बाय गम और सैप ऑफ ट्रीज, दिस सैप इज कॉल्ड लेटेक्स। तो हम लोग जो रबर यूज करते हैं, आप लोग जब पेंसिल से कुछ लिख देते हो और गलत हो जाता है, उसे मिटाने के लिए जिस रबर का यूज करते हो वो रबर कैसे बनता है, और जो लड़कियां बालों में जो रबर बैंड्स लगाती है वो रबर बैंड कैसे बनता है, वो हम इस जो है लेसन में देखने वाले हैं। तो रबर क्या, रबर हैज अ पेक्यूलियर ऑर्डर, रबर हैज अ पेक्यूलियर ऑर्डर एंड इट इज वाइट इन कलर। अब तो रबर जब बनता है, जब वो फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसका जब रेडी होता है वस्तु बनाने के पहले, तो उसका जो एक विशिष्ट एक स्मेल होता है, ऑर्डर यानी कि स्मेल, सुगंध, एंड इट इज वाइट इन कलर। और वो कैसा होता है कलर में, वाइट होता है फर्स्ट जब वो बनाते हैं तब। उसके बाद तो मैंने जैसे बताया कि नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर, जिसे आर्टिफिशियल रबर कहते हैं। नेचुरल रबर किसे कहते हैं, जो हमें जंगलों में जो पेड़ होते हैं इसके पेड़ उगाए जाते हैं, कुछ जंगलों में इसकी खेती की जाती है रबर के पेड़ों की, और उसमें से रबर निकाला जाता है, वो हो गया नेचुरल रबर। और दूसरा मैंने बताया सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर यानी जो केमिकल से बनाया जाता है ना। हम लोग जो रबर यूज करते हैं इरेजर के लिए या दूसरे यूज के लिए या गाड़ी के टायर जो है, तो वो जो है सिंथेटिक रबर में आएगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ केमिकल यूज किया जा रहा है। बट जो नेचुरल रबर है उसमें वो नेचुरल होता है, उसमें केमिकल का यूज नहीं किया जाता। ओके हाँ, तो बच्चों ये देख रहे हैं आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं, बहुत सारे पेड़ है ना। तो ये जो पेड़ है लंबे लंबे जो दिखाई दे रहे हैं वो सब रबर के पेड़ है। ओके, तो रबर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेंड बाय कलेक्टिंग द लेटेक्स ऑफ अ सर्टन ट्रीज। तो रबर ये एक नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल यानी कि हमें नेचर से मिलता है डायरेक्टली, हमें इसे बनाने की जरूरत नहीं होती। पेड़ पौधे खुद ब खुद उगते हैं ना, इसे इंसान तो नहीं बना सकता, उसे हमें जमीन में उगाना पड़ता है, वो खुद ही बढ़ता है। तो ये जो रबर है वो भी इसी जो है नेचुरल जो ट्रीज होते हैं इनसे हम लोग निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, रबर जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ होता है उसमें अगर देखो कुछ कुछ पेड़ों में हम लोग जब पत्थर मारते हैं या कुछ खरोंचते हैं तो उसमें से व्हाइट कलर का कुछ ऐसा लिक्विड निकलता है ना, आपने देखा होगा। तो ये जो रबर के लिए जो यूज किया जाता है जो व्हाइट जो लिक्विड है उसे कहते हैं लेटेक्स, है ना। लेटेक्स का मतलब होता है दूध जैसा, व्हाइट व्हाइट दिखता है। तो कुछ पेड़ों का जो व्हाइट जो निकल है लिक्विड वो उतना गाढ़ा नहीं होता, इसलिए ये जो रबर के जो पेड़ होते हैं उसमें से जो वो कुछ एक विशिष्ट यानी स्पेशल कुछ ट्रीज होते हैं उसमें से निकलने वाला जो लिक्विड है उससे हम लोग जो है रबर बनाते हैं। तो वो जो लिक्विड है व्हाइट कलर का उसे कहते हैं लेटेक्स, यानी कि दूध जैसा पदार्थ, दूध जैसा सब्सटेंस। रबर ट्रीज आर फाउंड इन अबंडेंस इन ब्राजील। तो ये जो रबर के जो ट्रीज है ये सबसे पहले बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ब्राजील में पाए जाते थे। ओके, इंडिया में बाद में लगाया गया, सबसे पहले ये ब्राजील में लगाए गए। दिस ट्रीज वेयर प्लांटेड इन अदर कंट्रीज टू। उसके बाद में जो है धीरे धीरे दूसरे कंट्रीज में देशों में भी इस
पेड़ को लगाए गए। तो इन पेड़ों का जो नाम है, बॉटनिकल नेम, उनका नाम है हेविया ब्राजियलेंसिस। इन ट्रीज को जो है, इनका जो बॉटनिकल नेम होता है वो नाम है हेविया ब्राजियलेंसिस, और इसे हम लोग साधारण भाषा में जो है रबर ट्री कहते हैं। तो बच्चों, आपको रबर ट्री के बारे में समझ में आया कि इसका जो बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम जो है, हम उसे कहेंगे हेविया ब्राजियलेंसिस। ओके, तो इन इंडिया द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ रबर इज इन केरला। तो इंडिया में, हमारे भारत देश में, ये जो रबर उगाया जाता है ये सबसे ज्यादा जो है केरला, केरल इस राज्य में मतलब उगाए जाते हैं, और इससे रबर बनाया जाता है। तो अभी रबर हम कैसे बनाया जाता है, इसमें एक एक पिक्चर के हेल्प से हम लोग समझेंगे। तो ये देखो बच्चों, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक पेड़ है, और इसमें ऐसी लाइनिंग लाइनिंग बनाकर जो है एक पॉट में जो है दूध इकट्ठा किया जा रहा है ना। तो ये जो दूध है, दूध को लैक्टो कहते हैं। ओके, ये जो दूध आपको दिखाई दे रहा है ये दूध नहीं है, बट ये क्या है, दूध जैसा है। तो जो भी दूध जैसा होता है उसे हम कहते हैं लैक्टो। ओके, तो जिस पेड़ का दूध जमता है उससे रबड़ बनती है। तो आप ये बात तो समझ लो कि जो हम लोग रबर यूज करते हैं वो पेड़ों से ही बनती है, उसे हम लोग ऐसे आर्टिफिशियली नहीं बना सकते, उसे पेड़ से ही हम लोग को ये दूध जमा करके जो है रबर बनाना होता है। ये देखिए, इस पेड़ में क्या किया गया है, एक ऐसा उसे थोड़ा सा खरोंचा गया है लाइन से, फिर वो दूध को ऐसे मतलब अरेंज किया गया है कि वो दूध जो है बराबर वो पॉट में गिर रहा है। फिर ऐसे जो है पॉट, बहुत सारा दूध जो है इकट्ठा किया जाता है, बहुत सारा मिल्क कलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद में उसे ऐसे ट्रे, और उसके बाद में वो जो दूध इकट्ठा करते हैं, मिल्क कलेक्ट करते हैं, उसको छाना जाता है, एक बड़े से छन्ने में छाना जाता है, ताकि उसमें से जो अगर कुछ कचरा हो तो वो बाहर निकल जाए। ओके, तो दिस वे वी कलेक्ट द मिल्क इन द पॉट। ये देखिए, आप यहाँ पर एक ट्रे दिख रहा है ना, ट्रे में बहुत सारा दूध जमा किया गया है, उसे अच्छे तरीके से साफ किया गया है। ओके, और उसे फिर ऐसे ही सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये रबर में जो क्या है, एक ऐसा मतलब प्रॉपर्टी होती है कि वो मतलब इलास्टिसिटी होती है, वो एक पकड़ लेता है ना, खिंचाव जैसा होता है उसमें, जिससे वो क्या होता है, सूखने के बाद में एक ऐसी लेयर बन जाती है ना। हम लोग जैसे केक रहता है, तो केक का लिक्विड पहले गीला रहता है, उसको फिर हम लोग जब बनाते हैं तैयार होने के बाद में, वो कैसा होता है, ऐसा चिपक जाता है ना, एक लेयर बन जाती है उसकी, एक साइज में, एक शेप में वो बन जाता है। ठीक उसी तरीके से ये दूध को जो है पेड़ से निकाले हुए जो लैक्टो है उसे भी ऐसे ट्रे में रखा जाता है, और कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, और फिर उसकी ऐसे जो है, देखिए आप देख रहे हैं पिक्चर में, इसमें ऐसी उसकी जो है परतें ऐसी बन जाती है, ऐसी लेयर्स बन जाती है, और उसे फिर धूप में सुखाने के लिए कुछ समय के लिए रख दिया जाता है। तो ये तैयार हो गया हमारा नेचुरल रबर, है ना बच्चों, आपने देखा किस तरीके से नेचुरल रबर तैयार होता है। हाँ, हमने देखा कि सबसे पहले है पेड़ों से दूध निकाला जाता है, उसे बड़े से कंटेनर में जमा किया जाता है, छाना जाता है, साफ किया जाता है, फिर उसे ऐसे ट्रेज में, रेक्टेंगल जो ट्रेज आपने देखा यहाँ पर, ये ट्रे में ऐसे रख दिया जाता है कुछ समय के लिए, तो वो उस शेप में लेयर्स बन जाती है, फिर उसे ऐसे सुखाने के लिए रख दिया जाता है, और ये हो गया हमारा नेचुरल रबर तैयार। तो बच्चों, हम जो है इसे ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग जो जो वस्तुएं बनानी हैं उसके लिए फिर यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए हम लोग इसी नेचुरल रबर को जैसे के वैसे यूज नहीं कर सकते, इसमें हम लोग कुछ प्रोसेस करके जो है तैयार वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे हम लोग जो इरेजर यूज करते हैं वो थोड़ा हार्ड होता है ना, लेकिन ये जो रबर है हम जो देख रहे हैं इस पिक्चर में, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उस रबर को हार्ड बनाने की एक प्रोसेस होती है जिसके बारे में हमारे देखने वाले हैं। रबर से बनी हुई बहुत सी चीजें होती है, हम जो शूज यूज करते हैं, है ना, शूज का जो सोल है वो भी रबर का होता है, बट वो कितना हार्ड होता है ना, वो इतना हार्ड होता है कि हमें नीचे से कुछ जो है अगर पत्थर है तो उसका हमें सेंसेशन नहीं होता, मतलब इतना हार्ड होता है वो कि पत्थर को भी हमें महसूस नहीं होता। तो उस ये जो रबर को हार्ड बनाने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं
उसे क्या कहते हैं बच्चों, वल्कनाइजेशन। ओके, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो आज हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन क्या होता है? वल्कनाइजेशन हम समझेंगे, जैसे मैंने बताया कि रबर को हम लोग जब नेचुरल रबर होता है उसको जैसे के वैसे यूज नहीं कर सकते, हमें यूज में लाने के लिए उसे थोड़ा हार्ड करना पड़ता है ना। तो ये हार्ड करने के प्रोसेस को हम सिंपल लैंग्वेज में कहे तो टू हार्ड दिस नेचुरल रबर इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। तो हम इसे थोड़ा देखेंगे। इन दिस प्रोसेस रबर इज हीटेड विथ सल्फर फॉर 3 to 4 hours। तो ये वल्कनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है बच्चों, कि रबर को गर्म किया जाता है। कहाँ गर्म किया जाता है? सल्फर के साथ एक पॉट में जो है उसे गर्म किया जाता है 3 to 4 hours के लिए। टू गिव हार्डनेस टू द रबर सल्फर इज मिक्स इन इट। उसे हार्डनेस देने के लिए जो मेन जो कहेंगे सल्फर, ओके, सल्फर यूज किया जाता है। सल्फर आपने देखा होगा पीले कलर का होता है, ये साइंस लैब में देखने को मिलेगा आपको, ये थोड़ा येलो कलर का होता है, ये साइंस में अपना साइंस लैब में यूज किया जाता है। तो अगर हमें रबर को हार्ड बनाना है तो ये जो सल्फर है, इस सल्फर को इस रबर में मिक्स किया जाता है, उसे 3 to 4 hours के लिए हीट दी जाती है, गर्म किया जाता है, और कुछ समय के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो वो जो रबर है वो हार्ड हो जाता है। द प्रपोर्शन ऑफ सल्फर इन द मिक्सचर इज डिटरमाइंड बाय द पर्पज ऑफ विच द रबर विल बी यूज। तो हम किसे, हम जो रबर है वो किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, फॉर विच पर्पज वी आर गोइंग टू यूज दैट रबर। तो दैट ऑन दैट डिपेंड द प्रपोर्शन ऑफ सल्फर, यानी हम लोग जो वस्तु बनाना है, जितनी हार्ड हमको बनाना है उसके हिसाब से सल्फर की कितनी मात्रा होनी चाहिए उसमें, वो डिपेंड करती है। हमें जितना हार्ड, ज्यादा हार्ड बनाना है उतना ज्यादा हम लोग उसमें सल्फर डालते जाएंगे। ओके, समझ में आया बच्चों सल्फर? हाँ। इरेजर, रबर बॉल, रबर टॉयज आर हैव वेरिंग प्रपोर्शन ऑफ सल्फर इन देम। तो जो इरेजर होता है हम लोग यूज करते हैं, रबर बॉल जो खेलते हैं है ना, क्रिकेट खेलते हैं वो रबर बॉल्स, रबर टॉयज, रबर के कुछ खिलौने भी होते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ कम ज़्यादा हार्डनेस होती है, इरेजर थोड़ा कम होता है, जो रबर बॉल होते हैं है ना, हम लोग इतने जोर के मारते हैं बैट से फिर भी वो कुछ होता नहीं है, तो वो थोड़ा हार्ड होता है। फिर रबर के टॉयज जो है वो भी सॉफ्ट होते हैं, थोड़े ज़्यादा हार्ड नहीं होते और कुछ कुछ हार्ड होते हैं। तो ऑल हैव वेरिंग प्रपोर्शन ऑफ सल्फर इन दैम। तो इनमें हर जो रबर की बनी हुई चीज़ है उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में क्या होता है, सल्फर यूज होता है ये वस्तु बनाने के लिए। इन रबर बैंड द प्रपोर्शन ऑफ सल्फर इज वेरी स्मॉल। तो रबर बैंड देखो, अब जो लड़कियां चोटी जब बनाती है तो उसमें रबर बैंड यूज करती है ना, या हम लोग भी कुछ कुछ चीज़ों के लिए, कुछ कुछ काम के लिए रबर बैंड यूज करते हैं। अगर किसी चीज़ को एक साथ रखना है, एक साथ उसे बांधना है, तो हम लोग कभी कभी रबर बैंड का यूज करते हैं है ना। तो वो रबर की देखो कितना फ्लेक्सिबल होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो सल्फर की जो क्या क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है। अगर उसमें सल्फर अगर बढ़ा देंगे तो वो हार्ड हो जाएगा, लेकिन हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे ना, हम उसे जितना फैला नहीं पाएंगे है ना। वो जो रबर बैंड है कितना लचीला, कितना इलास्टिसिटी होती है, आपने देखे हो कितना भी खींचो तो भी वो टूटता नहीं है, इसलिए उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। यानी हम जितना सल्फर उसमें मिलाते जाएंगे तो इलास्टिसिटी जो है वो कम होती जाएगी, और उसकी जो हार्डनेस है वो जो कठोरता है उसकी वो बढ़ते जाएगी। तो ये जो हार्डनेस बढ़ाने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं वल्कनाइजेशन। तो बच्चों आपको समझ में आया वल्कनाइजेशन क्या होता है? ओके, चार्ल्स गुडियर द इन्वेंटर ऑफ वल्कनाइजेशन। ये जो आप देख रहे हो बच्चों फोटो में, ये है चार्ल्स गुडियर है ना। तो ये जो रबर को हार्ड करने की जो प्रोसेस है, इसकी जो खोज है, इसका इन्वेंशन किसने किया है, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ये है चार्ल्स गुडियर है ना। तो इन्होंने ही जो है ये वल्कनाइजेशन की जो प्रोसेस है इसका इन्वेंशन किया। इन्वेंशन यानी होता है आविष्कार करना, खोज करना। ओके, चार्ल्स गुडियर द इन्वेंटर ऑफ वल्कनाइजेशन। चार्ल्स गुडियर स्पिल अ मिक्सचर ऑफ रबर एंड सल्फर ऑन अ बर्निंग स्टोव। एक बार उन्होंने क्या किया, चार्ल्स गुडियर ने, उन्होंने रबर और सल्फर को एक बर्निंग स्टोव, एक जलते हुए जो है स्टोव के ऊपर रखा, और उन्होंने कुछ समय के बाद देखा, आफ्टर द स्टोव वॉज एक्सटिंग्विश्ड, इंग्लिश मतलब होता है बुझने के बाद, उन्होंने क्या देखा, ही नोटिस दैट द रबर हैड बिकम हार्डर एंड लेस इलास्टिक।
क्या हो गया, वो ठंडा होने के बाद जो रबर है वो हार्ड हो गया, क्या हो गया, हार्ड हो गया, और उसकी जो इलास्टिसिटी थी, उसमें जो इलास्टिसिटी होती है ना, जो फैलने की जो वो होती है कैपेसिटी, वो कम हो गई है, ये उन्होंने देखा। तो उसे समझ में आया कि अगर हम रबर में, नेचुरल रबर में अगर सल्फर ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, रबर हार्ड हो जाता है। ये रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट इन अ सिस्टमेटिक वे, उन्होंने क्या किया, ये जो एक्सपेरिमेंट है उसे एक थोड़ा सिस्टमेटिक वे में किया, जिससे कि वो अब उन्हें जो चाहिए, उन्हें जो रिजल्ट चाहिए वो उन्हें मिल पाए, एंड इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन, और फिर उन्होंने वल्कनाइजेशन की प्रोसेस को का इन्वेंशन किया। हार्ड एंड टफ टायर्स ऑफ रबर मेड ट्रांसपोर्ट ब्रॉट अबाउट रिवोल्यूशनरी चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन। तो बच्चों, आज हम लोग जो बड़ी बड़ी बाइक यूज कर रहे हैं, कार यूज कर रहे हैं, है ना, आपने देखा कितनी एक से एक सुंदर सुंदर कारें आ रही है, ट्रक जो चल रहे हैं बड़े बड़े टायर, उसमें जो टायर्स लगे होते हैं, देखिए अपने कितने मजबूत होते हैं, उसका अगर आप बड़े बड़े हथौड़े से भी पिटोगे तो भी वो कुछ नहीं होता है उसको, है ना। तो उसमें थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी तो होती है, बट वो हार्ड भी बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, है ना, कभी आपने हाथ लगा कर देखा होगा, तो वो जो टायर है वो बहुत हार्ड होते हैं। तो ये जो टायर बनाने का जो काम है, इसके जो इन्वेंशन है, ये किसने किया, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये है चार्ल्स गुडियर, इन्होंने जो है ऐसा रबर, अपना हार्ड रबर बनाने का जो है इन्वेंशन यानी कि आविष्कार किया, तो इनका नाम है चार्ल्स गुडियर, है ना। ये देखिए, ये इनकी जो इनके घर में ही ऐसे ये लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, इसमें आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक स्टोव के ऊपर जो है कुछ रखा हुआ है, एक पॉट में रबर और सर्पल को मिक्स कर रहे हैं, और वो चेक कर रहे हैं कि ये ठंडा होने के बाद में कितना हार्ड हुआ है ना। तो ये है चार्ल्स गुडियर। हाँ, ये देखो बच्चों, आपको जैसे मैंने बताया, ये है नेचुरल रबर, हमने अभी देखा है ना, ये है नेचुरल रबर जो नेचुरली बनाया जाता है दूध को सुखाकर, और ये है सल्फर, सल्फर होता है ये, बहुत सी चीजों के लिए यूज किया जाता है सल्फर। तो क्या किया है हमने, इसको रबर और सल्फर को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया है एक पॉट में डालकर, ये जो आग दिख रहा है ना, ये ऐसे इसको गर्म किया है पॉट में डालकर, तो ये नेचुरल रबर से ये देखो क्या बन गया, इतना हार्ड बन गया कि हमने बड़े बड़े जो इतना भारी सामान ले जाने वाला जो व्हीकल्स है, ले जाने वाले, उसमें ये टायर यूज होते हैं। टू मेक द नेचुरल रबर मोर स्ट्रॉन्ग टफ एंड इलास्टिक इट इज वल्कनाइज्ड, यानी अगर रबर को स्ट्रांग बनाना है, टफ बनाना है, और इलास्टिसिटी थोड़ी कम करना है, थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी तो रहनी चाहिए ना, अगर टायर अगर पूरा अगर हार्ड हो जाएगा तो क्या होगा, वो तो टूट फूट जाएगा, है ना, इसलिए इलास्टिसिटी भी बहुत जरूरी है उसमें, बट स्ट्रांगनेस भी उतनी जरूरत है, वो टफ होना चाहिए, इसीलिए ये जो टफ करने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ये है नेचुरल रबर और उससे जो बनाया गया है ये है वल्कनाइज रबर। समझ में आया बच्चों आपको वल्कनाइजेशन? ये देखिए, ये इतने बड़े बड़े टायर्स हैं, बहुत मजबूत होते हैं, है ना। रबर मेड विथ 20 to 30% सल्फर इज हार्ड। सल्फर क्या करता है, ये जो आप टायर देख रहे हैं वो रबर को 20 से 30% तक हार्ड बना देता है, एंड 3 to 10% सल्फर इट इज लिटिल हार्डर एंड इट इज यूज मेकिंग टायर्स। और जो 3 से 10% तक अगर हम लोग सल्फर यूज करेंगे तो उससे छोटे जो अपने बाइसिकल के टायर है वो हम लोग बना सकते हैं, तो जितना कम हम लोग सल्फर यूज करेंगे उतना कम हार्ड रहेगा वो टायर, और जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना वो ज़्यादा हार्ड रहेगा। ये हो गया वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ये देखिए, ये और एक एग्जांपल है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ वल्कनाइजेशन, ये है, दिस इज द, व्हाट इज दिस, दिस इज हेयर रबर बैंड्स। ओके, ये रबर बैंड्स का हम लोग बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूज़ होते हैं, तो ये इसमें इलास्टिसिटी बहुत होती है ना, हम लोग ऐसे कभी कभी यूज़ करते हैं, देखा होगा कि जितना पीछे खींचो वो खींचते जाता है ना, बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। तो इलास्टिसिटी क्यों होती है, कि थोड़ा हार्ड तो होता ही है, चीज़ों को पकड़ के तो रखता ही है, बट इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें सल्फर के
जो क्वांटिटी है, सल्फर की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है, तो इसमें सिर्फ 1 to 3% सल्फर ऐड किया जाता है। तो ये हो गया वल्कनाइजेशन। ये देखिए इस पिक्चर में भी हम लोग जो शूज यूज कर रहे हैं वो इन्होंने हाथ में लिया है, इसमें भी रबर होता है सोल में, है ना, तो ये भी वल्कनाइजेशन का एक एग्जांपल है। ओके, तो बच्चों हमने देखा रबर, रबर को हार्ड बनाने की प्रोसेस। ओके, तो अभी इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेपर, है ना। हम लोग बुक्स यूज करते हैं, नोटबुक यूज करते हैं, ऐसे बहुत से मतलब बहुत से चीज़ों के लिए, प्रिंटिंग के लिए, जेरोक्स निकालने के लिए, है ना, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पर्पस के लिए जो है पेपर यूज करते हैं। तो बच्चों अभी ये पेपर कैसे बनता है वो हम देखेंगे। ओके, पेपर इज अ सब्सटेंस और मटेरियल फॉर्म ड्यू टू द इंटरवीनिंग ऑफ द सेल्यूलस फाइबर इन ग्रास, वुड, रेक्स और वेस्ट पेपर। तो पेपर बच्चों कोई भी चीज बनाने के लिए क्या होता है, एक फाइबर की जरूरत होती है ना। जैसे रबर के लिए भी क्या हुआ, लैक्टो, लैक्टो ये फाइबर है वो पेड़ में होता है तो उससे रबर बना। तो वैसे ही पेपर बनाने के लिए क्या होता है, पेपर जो है ये भी पेड़ों से ही बनते हैं बच्चों। कैसे बनते हैं, पेड़ों से ही बनते हैं, है ना। ये तो अब वो कैसे बनते हैं, तो पेड़ों में जो है एक सेल्यूलोज नाम का फाइबर पाया जाता है। फाइबर यानी कि होता है रेशे, ऐसे जो तंतु होते, मतलब उसमें एक रेशे होते हैं हर चीज में। जब आप उसको देखो किसी भी चीज को आप एकदम बारीक बारीक जब खोलोगे तोड़ोगे उसको, तो वो छोटे छोटे एकदम बारीक से बारीक चीजें होते जाती है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल के लिए आप घर में टॉवेल यूज करते हो या कोई भी एक कपड़ा ले लो, है ना, उसका जो कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर देखो उसमें, जैसे टॉवेल को देखोगे तो उसमें लास्ट में जो है कुछ कुछ ऐसे स्ट्रेंड्स निकले हुए होते हैं, है ना, धागे निकले हुए होते हैं। उस धागे को अगर आप और भी और अगर बारीक बारीक अगर ऐसे खींचोगे तो उसमें छोटे छोटे बारीक बारीक ऐसे रेशे निकलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फाइबर। तो पेपर, जो पेपर बनता है, हम लोग नोटबुक यूज करते हैं ना इतनी अच्छी अच्छी तो वो जो पेपर बनता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सेल्यूलोस फाइबर। सेल्यूलोस से ही पेपर बनता है। तो ये सेल्यूलोस जो है लकड़ियों में भी पाया जाता है, घास जो ग्रास है ग्रास में भी पाया जाता है, वुड यानी लकड़ी, रेक्स यानी कि जो चिंदियाँ होती है कपड़े की वो, और वेस्ट पेपर, हम लोग जो पेपर यूज करने के बाद में जो ऐसे रद्दी हो जाते हैं उससे भी जो है सेल्यूलोस निकाल कर पेपर बनाया जा सकता है। दस पेपर इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ सेल्यूलोस फाइबर। तो ये जो पेपर है ये किससे तैयार होता है, सेल्यूलोस फाइबर से ही तैयार होता है। तो चलो बच्चों अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के हेल्प से कि पेपर कैसे बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, हाउ इज पेपर मेड, पेपर कैसे बनाया जाता है। कॉनिफरस ट्रीज लाइक पाइन आर यूज टू मेक पेपर। कॉनिफरस ट्रीज, ये कॉनिफरस ट्रीज क्या होता है, जो सूचीपर्ण वन होते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं सूचीपर्ण वन, जो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं वो सूचीपर्ण वनों, उसमें एक पाइन नाम का एक ट्री होता है, पेड़ होता है वो यूज, पाइन जैसे और भी पेड़ होते हैं जिसे जो है पेपर बनाने के लिए यूज किया जाता है। द बार्क ऑफ द लॉक ऑफ दिस ट्री इज फर्स्ट रिमूव्ड एंड द वुड इज ब्रोकन इंटू स्मॉल पीसेस। तो अभी हमको देखना है कि पेपर बनता कैसे है, पेड़ कैसे दिखाई देते हैं, इसमें तो हरी हरी पत्तियां होती है, लंबी लंबी टहनियां होती है, इतना मतलब चौड़ा उसका जो है कैसा अलग ही दिखता है, बट पेपर क्या होता है, पेपर तो एकदम प्लेन होता है, इतना पतला सा होता है ना। तो हम लोग समझेंगे कि इतना पतला पेपर इतने मोटे पेड़ से कैसे बनता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, द बार्क ऑफ फर्स्टली द बार्क ऑफ द लॉग्स ऑफ दिस ट्री इज फर्स्ट रिमूव्ड। तो जो पेड़ों की जो छाल होती है ना ऊपर, देखा आपने देखा होगा पेड़ों की पहले छाल निकलती है और अंदर में जो है व्हाइट उसमें वुड होता है, लकड़ा होता है ना। तो सबसे पहले वो जो उसकी छाल है वो अलग कर लिया जाता है, इन एंड द वुड इज ब्रोकन इंटू स्मॉल पीसेस। इसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के हेल्प से देखेंगे पिक्चर के माध्यम से, पहले हम लोग जो लिखा हुआ है थोड़ा समझ लेते हैं। द मिक्सचर ऑफ दीज पीसेस एंड सम केमिकल एस्केप सोकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। द मिक्सचर ऑफ दीज पीसेस, ये जो पिक्स फिर वो जो लकड़ी की जो टहनियाँ होती है ना, जिसमें से छाल निकाल दी जाती है और व्हाइट व्हाइट जो लकड़ी के बड़े बड़े जो कुंदे होते हैं जिसे हिंदी में कहेंगे, है ना,
उसे क्या कहते हैं, बारीक बारीक पीसेस में, एकदम बारीक बारीक पीस पीसेस में उसको कर दिया जाता है। एंड सम केमिकल इज केप्ट सोकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसमें कुछ क्या किया जाता है, केमिकल मिलाया जाता है और उसे डुबाकर बहुत समय के लिए, लंबे समय के लिए रख दिया जाता है। इट हेल्प्स टू फॉर्म पल्प, इससे क्या हो जाता है, एक पल्प क्रिएट हो जाता है। पल्प यानी होता है लुगदी, है ना, ऐसा पेस्ट जो बनाते हैं हम लोग, कोई भी चीज अगर बनाना है तो सबसे पहले हमको पेस्ट बनाना पड़ता है ना। जैसे आपने देखा होगा घर में अगर भजिया बनाना है तो उसके लिए भी पहले बेसन का पेस्ट बनाया जाता है ना, उस तरीके से वो हो गया पल्प। देन द केमिकल प्रोसेस इज कंप्लीटेड, द फाइबरस सब्सटेंस फ्रॉम वुड पल्प आर सेपरेटेड, क्या किया जाता है, वो केमिकल में रखने के बाद वो कुछ समय उसके बाद, लंबे समय के बाद में क्या किया जाता है, उसमें से वो जो फाइबरस सब्सटेंस है, यानी फाइबरस सब्सटेंस मैंने बताया अभी फाइबर क्या होता है, वो फाइबरस सब्सटेंस उस वो अलग किया कर लिया जाता है फ्रॉम वुड, वो अलग कर लिया जाता है। एंड सम डाइज आर एडेड, और उसमें कुछ डाइज यानी कि कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। द पल्प इज देन पास थ्रू रोलर, और फिर वो जो पल्प है, वो जो लुगदी है, आपने देखा होगा अगर पेपर को आप पानी में डालोगे कुछ समय के बाद वो गीला हो जाएगा, और उसको जब हाथ में लोगे तो ऐसा लड्डू बन जाता है ना, तो वही है वो पल्प। तो वो पल्प को क्या किया जाता है, बड़े बड़े मशीन होती है ऐसे, उसमें रोलर्स लगे होते हैं, वो रोलर्स में डाल दिया जाता है, ड्राई टू फॉर्म पेपर एंड फाइनली बाउंड ऑन रील। इस तरीके से रोलर में डाल के लंबे लंबे जो पेपर बनाए जाते हैं, फिर उसकी कटिंग की जाती है और फिर उसको ऐसा रोल किया जाता है। ये देखो बच्चों, ये जो साइकिल है कैसे पेपर बनता है, सबसे पहले देखो यहाँ ट्रीज दिखाई दे रहा है, फिर क्या किया गया है, ये जो ऐसे ये देखो, ये उसके बड़े बड़े ऐसे लकड़ी की टहनियाँ काटी गई है, लॉक्स ऑफ वुड इसे कहते हैं, है ना, हिंदी में इसे कहते हैं कुंदे, ऐसे बड़े बड़े देखो लकड़ी के, फिर इसको ऐसे मशीन में आगे डालते हैं तो क्या होता है, ये जो पहले फर्स्ट टाइम तो क्या किया है, पीलिंग ऑफ लॉक्स, पीलिंग द लॉक्स, लॉक्स यानी उसे कहते हैं डीबार्किंग द लॉक्स, उसे क्या कर रहे हैं, जब वो मशीन में जाती है तो सबसे पहले उसकी जो छाल हो रही है साइड साइड से क्या होता है, पूरी उसकी छालें निकल जाती है ना, बार्क, बार्क उसे कहते हैं इंग्लिश में, डी बार्किंग, डी बार्किंग यानी उसकी छाल निकालना। फिर आगे बढ़ा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, उसे छोटे छोटे पीस हो रहे हैं, है ना, ये देखो, फिर इसे एक कंटेनर में डाला गया है ना, उसमें एडिंग डाइज, ये यहाँ पर उसमें छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, एकदम बारीक बुरादा बना दिया जाता है, और उसमें कुछ केमिकल यूज करते हैं, और उससे फिर देखो यहाँ पर एक पल्प यूज, पल्प बन गया है, पल्प यानी जैसे मैंने बताया पेस्ट, है ना, लुगदी, हाँ, तो ये पल्प तैयार हो गया है। फिर ये पल्प को क्या करते हैं, जैसे मशीन में देखो आप रोलर दिख रहे हैं, ये रोलर, हाँ, ऐसे रोलर में डाल दिया जाता है, और उससे ऐसे बहुत लंबे लंबे साइज के, बड़े बड़े साइज के पेपर बनते हैं, और यहाँ पर इसको ये जो है रोल किया गया है ना, तो ये हो गया, ये इससे पेपर के देखो इतना बड़ा रोल बन गया, फिर ये ऐसे बड़े बड़े रोल इसके बनाए जाते हैं। तो ये जो हो गई पूरी, ये प्रोसेस हो गई, इसे कहते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। नेक्स्ट देखेंगे हम, हाँ, ये अभी उसमें हम लोग थोड़ा सा और एक एक पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। ये ब्लॉक्स ऑफ वुड है, और इसे बारीक कर दिया है एकदम, ये लकड़ी का एकदम बुरादा बना दिया गया है। नेक्स्ट देखो, इसको जो है केमिकल में डाला गया है, थोड़ा पानी, इससे पानी के साथ उबाला जाता है इसे कुछ केमिकल डालकर, और कुछ समय के बाद में उसे जो पल्प है, वो जो फाइबर जो है, फाइबर वाला जो है, उसमें से वो अलग किया कर दिया जाता है ऐसे वाइट वाइट, और उसके बाद में उसे ऐसे मशीन में डाला जाता है, और ऐसे लंबे लंबे पेपर की चादर जैसे बहुत लंबा लंबा होता है पहले, ये बनने के पहले हम तक आने तक उसे और भी प्रोसेस की जाती है, छोटे छोटे पीसेस बनाए जाते हैं, तब वो हमारे हाथ में कॉपी और नोटबुक के रूप में दिखाई देते हैं। देखिए आप मशीनें देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े पेपर होते हैं, ये देखिए पेपर के रोल, बड़े बड़े रोल बनाए गए हैं मशीन, इस तरीके से पहले फैक्ट्री में ये इतने बड़े बड़े साइज के होते हैं, है ना। तो बच्चों, पेड़ों पे जो पेपर हम लोग यूज कर रहे हैं, ये पेपर किससे रिलेटेड है, ट्रीज से, ट्रीज यानी कि वृक्षों से, पेड़ों से संबंधित, यानी कि नेचर से रिलेटेड है ना। तो बहुत ये पेड़ों का और पेपर का बहुत ज्यादा कनेक्शन है,
इसलिए अगर हम जितना ज्यादा पेपर यूज अगर यूज करेंगे तो उससे ज्यादा उसके लिए हमको पेड़ों की कटाई भी करनी पड़ेगी। तो ये जो है नेचर के व्यू से, पर्यावरण की दृष्टि से जो है बहुत गलत है ना। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। तो हमें देखिए, ऑलवेज रिमेंबर वॉट थिंग्स वी ऑलवेज रिमेंबर। फर्स्ट, डू नॉट टियर अप ब्लैंक पेजेस, डू नॉट टियर अप ब्लैंक पेजेस ऑफ अ नोटबुक, डू नॉट थ्रो अवे ओल्ड नोटबुक्स विद ब्लैंक पेजेस। बच्चों, मैंने देखा है स्कूल में बहुत से बच्चे क्या होता है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो वो पेपर फाड़ देते हैं, है ना। ऐसे वो डस्टबिन में पेपर का इतना सारा कचरा हो जाता है कि रोज इतना पेपर वेस्ट होता है, आपने भी देखा होगा, है ना। तो आपने देखा कि ये पेपर बनने के लिए पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है ना, कि पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी है आपको मालूम है ना। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, एयर मिलती है ना, फ्रूट्स मिलते हैं। तो अगर हम एक छोटे से पेपर के लिए अगर हम बड़े बड़े पेड़ काट देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए हमें पेपर नहीं फाड़ने चाहिए। अगर तो थोड़ी सी भी गलती होती है, कितनी भी गलती हो, पेपर को बिल्कुल फाड़ कर फेंकना नहीं चाहिए। डो नॉट टियर अप ब्लैंक पेजेस, और ब्लैंक पेजेस तो बिल्कुल भी नहीं फाड़ने चाहिए। डो नॉट थ्रो अवे ओल्ड नोटबुक्स विद ब्लैंक पेजेस। जो पुरानी जो नोटबुक होती है, जैसे हम लोग लास्ट ईयर जैसे फोर्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास में थे, अभी सिक्स क्लास में आ गए, तो हमारी लास्ट ईयर की कुछ नोटबुक्स बची होगी, है ना। तो हमें उन नोटबुक्स को इस ईयर में यूज करना चाहिए, तो ना कि ऐसे ब्लैंक पेजेस है तो हम उसे पुरानी है इसलिए फेंक दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देन सेकंड इज द ब्लैंक साइड ऑफ एडवर्टाइजिंग पॉम्पलेट, इनर साइड ऑफ पोस्टल एनवलॉप, द ब्लैंक साइड ऑफ कैलेंडर पेजेस एंड अदर सच वेरी राइटेबल सरफेस कैन बी यूज टू मेक नोट्स। बच्चों, आपने देखा होगा घर में ये जो पॉम्पलेट बांटी जाती है ना, कुछ कुछ कहीं पर सेल लगता है, कहीं पर कुछ प्रोग्राम होता है तो पॉम्पलेट बांटी जाती है। तो वो पॉम्पलेट को भी हमें जितना भी यानी किसी भी पर्पज के लिए यूज हो, अगर हमारे पास अगर वो पेपर आता है और अगर उससे अगर एक साइड अगर ब्लैंक है तो उसे हमें हमको उसे यूज करना चाहिए। तो हमें जैसे हमें कुछ लिस्ट बनानी है या हमें कुछ रफ वर्क करना है, उसके लिए हमें उन ब्लैंक साइड्स को यूज करना चाहिए, है ना। कैलेंडर यूज करते हैं हम लोग, तो जैसे कैलेंडर जैसे वो साल बीत गया तो कैलेंडर क्या होता है फिर, है ना, रद्दी हो जाता है। तो उसके पीछे में जो ब्लैंक साइड होता है उसमें भी हम लोग कुछ लिखने का काम कर सकते हैं। ओके, और किस किस चीज के लिए, उसके हम नोट्स बना सकते हैं उस पे, लिस्ट टू कवर नोटबुक। हाँ, हम लोग जो है हम लोग देखो बुक्स को कवर लगाने के लिए दुकान से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेपर लेते हैं, तो उसके बदले हम लोग ये जो कैलेंडर्स वगैरह हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये इसको हमें बुक को कवर लगाने के लिए भी यूज करना चाहिए, है ना, जिससे पेपर को हम फिर से बार बार यूज कर पा रहे हैं, है ना। डू नॉट थ्रो अवे और बर्न अप सच पेपर अंटिल इट हैज बीन फुल्ली यूटिलाइज लाइक दिस। तो जब तक इन पेपर को फुल्ली मतलब अच्छे तरीके से यूज नहीं हो जाता है, तब तक हमें इन्हें बिल्कुल भी फेंकना भी नहीं है और जलाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, है ना। तो आपने देखा कि पेपर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। थर्ड थर्ड क्या है, व्हेनेवर पॉसिबल ट्राई टू यूज अ पेंसिल एंड स्लेट। अगर हमें कुछ रफ वर्क करना है तो ट्राई करो कि हम पेंसिल से करें, ताकि हम उसे मिटाकर फिर से वो पेज को रीयूज कर सके, एंड स्लेट का भी यूज हमें करना चाहिए। ओके, हमें अगर कुछ टफ वर्क करना है तो ये दोनों का भी हम लोग पेपर के बजाय यूज कर सकते हैं। फोर्थ वन इज कॉपरेट विद पीपल हु कलेक्ट पेपर फ्रॉम गार्बेज और बाय स्क्रैप पेपर। दिस पीपल हेल्प इन द प्रॉपर रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ आदमी जो है गार्बेज इकट्ठा करते हैं, कचरा, है ना, और कुछ कुछ जो है वो रद्दी वाला आता है हमारे यहाँ, है ना। तो उसे हमें ये जो रद्दी है घर की, हम लोग जैसे पूरा यूज हो गया और लिखकर हो गया, अभी वो कॉपी का क्या करना है तो जलाना नहीं है, तो वो जो रद्दी वाला आता है हमें उसे ये दे देना चाहिए। फिर वो रद्दी वाला जो है दूसरे जगह देता है और फिर उसका और फिर से कागज तैयार होता है, और ऐसे फिर उसे हमें यानी फिर से एक बार यूज कर सकते हैं। इसलिए कागज को ना फेंकते हुए हमें उसे रद्दी वाले को दे देना चाहिए। ओके, कि हमारी हेल्प करते हैं उस कागज का रीयूज करने के लिए। तो बच्चों, आपने देखा कि पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे ये जो आवश्यक जो पेड़ है, ट्रीज, उससे कनेक्टेड है। इसलिए पेड़ों को पेपर जो है बिल्कुल भी फाड़ना नहीं है। ओके, बहुत ही कंजूसी से आप कहेंगे तो भी चलेगा, इसमें मतलब कंजूसी से यूज करना चाहिए पेपर का। ओके, देन
फर्स्ट पेपर फैक्ट्री इन इंडिया, तो इंडिया में जो फर्स्ट फैक्ट्री है पेपर की वो कहाँ पर बनी है? देखो बच्चों, इंडिया द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चर न्यूज प्रिंट एंड न्यूज पेपर जो के लिए जो पेपर यूज किया जाता है वो एस्टेब्लिश एट नेपानगर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नेपानगर में जो है ये 1955 में न्यूज पेपर के लिए जो पेपर यूज किया जाता है वो बनाया गया। पेपर इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड एट सोनगढ़ इन गुजरात। और उसी तरह जैसे मध्य प्रदेश में बनाया गया उसी तरीके से फिर गुजरात का जो सोनगढ़ नाम का जो प्लेस है वहां पर भी ये पेपर की जो है फैक्ट्री तैयार की गई। इन महाराष्ट्र, अब हमारे महाराष्ट्र में देखो कहाँ पर है, देयर इज अ पेपर फैक्ट्री एट बल्लारपुर नियर चंद्रपुर, है ना। चंद्रपुर के पास में बल्लारपुर करके प्लेस है, उस जगह पर जो है पेपर फैक्ट्री बनाई गई है। तो बच्चों ये हो गया पेपर, पेपर के बारे में हमने देखा, है ना। समझ में आया आपको पेपर कैसे बनता है, पेपर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देन उसके बाद हमें देखना है सिल्क। सिल्क क्या होता है, सिल्क क्या नहीं होता है, रेशम। बच्चों आपने देखा होगा घर में, है ना, हम लोग कपड़े जो पहनते हैं उसमें जो सुंदर सुंदर जो क्लॉथ होते हैं साड़ियाँ, हमारी मम्मी जो है होती है मम्मी साड़ियाँ जो पहनती है वो सिल्क की जो बनी होती है वो कितनी सुंदर दिखाई देती है ना, कितनी शाइनिंग करती है। तो ये जो सिल्क है वो कैसे बनता है आपको मालूम है? नहीं? तो देखो हम देखते हैं कि सिल्क इज द नेचुरल थ्रेड और फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म। तो ये जो सिल्क है, सिल्क यानी कि रेशम, ये कैसे बना कैसे मिलता है हमको पता है? ये होता है, इसके कीड़े होते हैं, सिल्क वॉर्म जिसे कहते हैं। सिल्क वॉर्म ये एक नेचुरल सब्सटेंस है क्योंकि हम ये जितने भी फाइबर होते हैं अगर वो प्लांट से मिलता है, प्लांट एनिमल से मिलता है तो वो नेचुरल होता है। तो ये हमें किसी कीड़े से मिल रहा है इसीलिए ये भी जो है नेचुरल थ्रेड होगा। तो ये कैसे, देखो एक यहाँ पर कीड़ा दिखाई दे रहा है आपको, वो कीड़ा क्या होता है, जब अंडे देता है तो अंडे देने के बाद में उसमें से एक ऐसा लार्वा निकलता है इल्ली जैसे, तो वो अपने अपने आसपास, ये देखिए पिक्चर के से हम समझेंगे। हाँ ये जो है एक सिल्क वॉर्म है, उसने यहाँ पर अंडे दिया है ना। ये उसके बाद उस अंडे में से जो है ऐसे लार्वा निकलता है। इल्ली आपने देखे होंगे पेड़ों की जो पत्तियां होती है बड़ी बड़ी, उसमें ऐसे इल्लियां होती है हरे कलर की व्हाइट कलर की, तो ये सिल्क वॉर्म है, ये थोड़ा स्पेशल वॉर्म है ना। इसके भी जो है खेती की जाती है, मतलब इसका प्रोडक्शन किया जाता है। वो क्या करते हैं वॉर्म, अपने आसपास जो ऐसे कोटिंग बनाते हैं। अपने घर में भी देखा होगा कुछ कुछ कीड़े जो है ना अपने आसपास में ऐसे व्हाइट कलर का कोटिंग यानी कि ऐसा जाला बना देते हैं, देखे हो ना बच्चों। हाँ तो वो जो जाला होता है व्हाइट कलर का, तो ये जो सिल्क वॉर्म जो अपने आसपास जो जाला बनाते हैं उसे कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकून। ये जो दिख रहा है आपको कोकून, उस जाले को कहते हैं, उस कवच यानी कि अपने प्रोटेक्शन के लिए वो एक ऐसा जाला बना देते हैं, उसे कहते हैं कोकून। तो 500 मीटर टू 1300 मीटर ऑफ थ्रेड कैन बी ऑब्टेन। तो ये जो इन्होंने जो कवच बनाया है एक ऐसा ये व्हाइट वाला, उससे 500 मीटर से लेकर तो 1300 मीटर तक का जो थ्रेड यानी कि धागा, रेशम का धागा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इट इज सेड दैट सिल्क वॉज प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल इन चाइना। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले ये जो सिल्क है ये चाइना में बनाया गया था, इसका जो प्रोडक्शन है वो चाइना में स्टार्ट किया गया था। फिर उसके बाद में जो है दूसरे कंट्रीज ने भी ये जो है बनाना शुरू किया। पहले चाइना ने बताया नहीं कि उसने ये जो रेशम है इसका प्रोडक्शन चालू किया है, फिर बाद में धीरे धीरे जो है ये बाहर दूसरे कंट्रीज को पता चला तो उन्होंने भी ये बनाना चालू किया। बट ये जो सिल्क है बच्चों ये जो है बहुत महंगी होती है। आपने देखा होगा कि सिल्क की जो साड़ीज होती है, तो अगर घर में पूछोगे बताएंगे कि सिल्क की साड़ियाँ जो होती है बहुत महंगी होती है ना, सभी लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या किया गया, तो अब ये हो कि नेचुरल फाइबर से क्या होता है, बहुत सारा हमें पेड़ पौधों की जरूरत होती है ना, तो पेड़ पौधों को हमें काटना पड़ता है। तो इस ये नुकसान से बचने के लिए हमने फिर क्या, साइंटिस्ट लोगों ने क्या तैयार किया, सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स यानी हम लोग आज देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हम लोग क्लॉथ पहन रहे हैं वो अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं, कुछ बहुत शाइनी होते हैं, कुछ का स्विमिंग के लिए यूज किया जाता है ना। हम लोग अगर पार्टी वियर में पार्टी में जाना है तो डिफरेंट दूसरे चमकीले कपड़े पहनते हैं, रात में सोते समय हम लोग जो है
कॉटन के एकदम सिंपल कपड़े पहनते हैं, जो बहुत क्या होता है आरामदायक लगते हैं। उसके बाद में स्विमिंग के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो होता है, देखो पानी भी नहीं सोखता है ना, वो एक कपड़ा अलग अलग तरीके का होता है। और ठंडी के समय में हम लोग जो वुलन कपड़े यूज करते हैं तो वो एक अलग फाइबर होता है। तो ये सब जो है सिंथेटिक फाइबर कहते हैं इसे। सिंथेटिक फाइबर यानी ये मैन मेड होते हैं। ये इसे कौन बनाता है? हम जैसे इंसान बनाते हैं। ये डायरेक्टली मतलब प्लांट या एनिमल से नहीं मिलता, इसे बनाते हैं। तो इसमें फ्रॉम द टाइम इट वॉज फर्स्ट थॉट दैट आर्टिफिशियल या कुड बी प्रोड्यूस टू मीट द क्लॉथिंग नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हमने देखा कि भारत की जनसंख्या देखो कितनी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, तो इस पॉपुलेशन की जनसंख्या की जो कपड़ों की जो आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए ये पेड़ पौधों से जो है निकलने वाला फाइबर हमें कम पड़ रहा था। इसीलिए बहुत सारे रिसर्च किए गए और उसके बाद में जो ऐसे सिंथेटिक फाइबर जो है बनाए गए। सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम, यानी जो इंसानों ने केमिकल से बनाया गया है, ये हमें डायरेक्ट एनिमल से या प्लांट से नहीं मिलता, उसे कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो इसमें हमें देखना है नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलीन, टेरेन, पॉलिस्टर, रेयॉन आर द नेम्स ऑफ वेरियस सिंथेटिक फाइबर्स। ये जो है सिंथेटिक फाइबर्स के नाम है। तो इसके बारे में हमको आज पढ़ना है। ये देखिए इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये रेयॉन है, एक बेडशीट बनाई गई है, सॉफ्ट, कितनी मस्त लगती है। और फिर ये रेयॉन नाइल सॉरी नायलॉन, इससे जो रस्सियाँ हम लोग यूज़ करते हैं प्लास्टिक की, कपड़े सुखाने के लिए हो गया, बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ने के लिए जो रस्सियाँ यूज़ की जाती है वो भी नायलॉन की बनी हुई होती है। पॉलिस्टर, ये देखिए क्रिकेट हम लोग गेम खेलते हैं तो उसमें जो हमारी टी शर्ट बनी हुई होती है वो थोड़ी सी ऐसी स्लिपरी होती है ना, शाइनिंग वाली, तो वो है पॉलिस्टर वाला कपड़ा। और ये है एक्रेलिक, यानी गर्म जो हमें फील होता है वो कपड़ा एक अलग होता है। तो ये सब जो है वो है सिंथेटिक फाइबर्स। क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स। तो उसमें सबसे पहले हमें देखना है नायलॉन। दिस थ्रेड वॉज इन्वेंटेड एट द सेम टाइम इन न्यूयॉर्क एंड लंडन, देयरफॉर द इनिशियल NY ऑफ न्यूयॉर्क एंड NON लंडन दे आर कॉम्बाइंड टू नेम देम नायलॉन। नायलॉन थ्रेड्स हैव अ शाइन एंड आर स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट एंड वाटर रेजिस्टेंट। दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर क्लॉथ, फिशिंग नेट, रोप एक्सेट्रा। ये जो नायलॉन है, जी मैं आपको चित्र दिखाऊंगा पिक्चर की, नायलॉन कैसे होता है। ये नायलॉन जो वर्ड है, ये जो स्टार्टिंग का जो NY है, वो जो है न्यूयॉर्क से लिया गया है। इसका न्यूयॉर्क का N और यॉर्क का Y, NY हो गया, और लंदन LON, लंदन का LON लिया गया है। ये क्यों लिया गया है? क्योंकि तो सेम टाइम पर, एक ही समय पर यहाँ पर जो है नायलॉन का इन्वेंशन किया गया था। इन्वेंशन यानी कि आविष्कार, खोज हुई थी, इसलिए उसका नाम नायलॉन रखा गया, इन दो सिटीज कंट्रीज के नाम पर रखा गया। और ये जो नायलॉन होता है वो शाइनी होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। इट इज़ वेरी शाइनी एंड स्ट्रांग एंड ट्रांसपेरेंट भी होता है और वाटर रेजिस्टेंट, ये पानी को ज़्यादा पानी नहीं सोखता है। ठीक है, दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर क्लॉथ, फिशिंग नेट्स, रोप एक्सेट्रा। इसका हम लोग किस किस के लिए यूज करते हैं? क्लॉथ बना, कपड़े भी बनते हैं इसे नायलॉन के, कपड़े भी बनते हैं, फिशिंग नेट्स बनते हैं, ये जो मछली पकड़ने की जो जाली होती है वो, और रोप्स यानी कि रस्सियाँ जो बनती हैं वो भी नायलॉन की होती है। तो ये हो गया नायलॉन का यूज। तो ये आप पिक्चर में देख रहे हैं नायलॉन से क्या क्या बनाया गया है। क्लॉथ बनाए गए हैं, है ना, ऐसे शॉर्ट पैंट्स जो हम लोग पहनते हैं कुछ गेम खेलने के लिए, वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो छतरी है वो, ये सॉक्स, शूज, ये बैग, इनमें क्या यूज़ हो रहा है? नायलॉन यूज़ हो रहा है। तो नायलॉन को बनाने के लिए कोल प्लस वाटर प्लस एयर, यानी कोयला, पानी और हवा, इसका जो है कॉम्बिनेशन करके कुछ केमिकल प्रोसेस करके नायलॉन बनाया जाता है। उसके बाद एक सिंथेटिक फाइबर है नेक्स्ट, रेयॉन। अभी रेयॉन क्या होता है? तो बच्चों इसके लिए हम लोग सिल्क को हमने देखा, सिल्क क्या होता है, कितना मतलब सुंदर दिखता है वो कपड़ा। सिल्क जो है कैसे मिलता है हमें, हमने देखा एक रेशम का कीड़ा होता है ना, वो अपने आसपास जो कोश बनाता है कोकून, उससे हम लोग उसके जो फाइबर्स निकलते हैं उससे सिल्क बनता है। लेकिन ये बहुत महंगा होता है ना ये सिल्क, तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने उसी के कंपेयर में एक फाइबर बनाया, उसे कहते हैं रेयॉन। ठीक है, कॉटन एंड वुड पल्प, कॉटन एंड वुड पल्प इज डिसॉल्व्ड इन अ केमिकल कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू मेक अ सॉल्यूशन।
अब ये रेवन कैसे बनता है? तो कॉटन यानी कपास और वुड पल्प, वुड पल्प यानी मैंने जैसे बताया कि लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसका बुरादा करके उसमें केमिकल मिलाया जाता है। कौन सा केमिकल मिलाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है और उसका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, एक पेस्ट बनाया जाता है, उससे रेयॉन तैयार किया जाता है। थ्रेड्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मशीन, और फिर मशीन में ये जो है सॉल्यूशन डाला जाता है, उससे जो है लंबे लंबे ऐसे रेशे बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं। दे आर सेड टू बी सिंथेटिक सिल्क, और ये सिंथेटिक सिल्क कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत शाइनी होते हैं और स्ट्रेंथ इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत शाइन करते हैं और इसमें ये बहुत मजबूत होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं सिंथेटिक सिल्क। दे अपियर टू बी शाइनिंग ब्राइट लाइक द सन रेज, हेंस दे वेयर देम रेयॉन। और बच्चों ये जो रेयॉन के जो कपड़े होते हैं वो सूरज के जो किरणों की तरह चमकते हैं, चमचमाते हैं, इसीलिए इसे नाम दिया गया है रे ऑन। रेज यानी कि सन रेज जो होती है ना सूर्य से निकलने वाली किरणें, वो रे और ऑन, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रे ऑन। तो ये सिल्क से सस्ता होता है ना, इट इज चीपर देन सिल्क, इसलिए बहुत ज्यादा यूज करता है, सबसे ज्यादा यूज होता है रेयॉन। ये 19th सेंचुरी में इसका जो है इन्वेंशन किया गया था और ये बहुत ज्यादा सिल्क के कपड़ों की तरह दिखाई देता है, इसलिए ये यूज किया जाता है। इसे सारीज बनाई जाती है, ड्रेस, और जो मेडिकल में जो बैंडेज लगाते हैं ना, बैंडेज वगैरह जो यूज करते हैं हम लोग, वो जो है इसी रेयॉन से बनाया जाता है। और इस कार अगर इस रेयॉन में हम लोग अगर वूल यानी कि ऊन अगर ऐड कर दे, तो इसे जो हम लोग कारपेट लगाते हैं घर में, कारपेट बिछाते हैं ना, वो कारपेट भी जो है इस रेयॉन से बनता है। इसी तरीके से बेडशीट, पर्दे, ब्लैंकेट, ये सब बनाने के लिए रेयॉन का यूज होता है ना। ये देखिए बेडशीट, कर्टन, ब्लैंकेट, अगर इसमें हम लोग रेयॉन में कॉटन मिक्स कर दे तो इससे ये सब चीजें हम लोग यूज करते हैं। ये हो गया रेयॉन। उसके बाद है डेक्रॉन। अभी ये एक तीसरा टाइप है सिंथेटिक फाइबर का, ये कैसे बनता है हम देखेंगे। वेरियस हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल ऑयल्स आर यूज टू मेक पॉलीमर चेंज। ये पॉलीमर चेंज क्या होता है? तो बच्चों कोई भी चीज बनाने के लिए हमें फाइबर की जरूरत होती है। तो फाइबर क्या होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है ना। तो जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल की एक चेन बनी होती है, जैसे अगर आप कपड़ा देखोगे, एक जो कपड़ा है अगर उसको हम आप देखोगे तो वो एक 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 दूसरे के अंदर क्या होता है, गुंथा हुआ होता है ना। तो वैसे ही जब ये जो फाइबर बनाए जाते हैं तो इसमें भी कुछ केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल्स वो उसमें पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर्स की चेन होती है। पॉलीमर्स की चेन मतलब उसमें छोटे छोटे जो है जो आर्टिफिशियल ये जो फाइबर बनाए जाते हैं उसकी एक चेन होती है, उसे कहते हैं पॉलीमर चेन। अ सॉल्यूशन ऑफ सच अ पॉलीमर इज प्रेस थ्रू अ स्ट्रेनर विथ फाइन होल्स। तो ये जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसे एक मशीन के द्वारा प्रेस थ्रू अ स्ट्रेनर विथ फाइन होल्स, वो एक मशीन होती है, उसमें ऐसे बारीक बारीक एकदम बारीक बारीक ऐसे छेद होते हैं, उससे प्रेस किया जाता है। तो उससे जब प्रेस होते हैं तो उन छिद्रों में से जो ऐसे लंबे लंबे जो है फाइबर ऊपर आते हैं और उससे कि धागे, जिससे वो धागे बनाए जाते हैं। द फाइबर्स फॉर्म्ड आफ्टर कूलिंग आर लॉन्ग एंड अनब्रोकन थ्रेड्स। और ये जो फाइबर तैयार होते हैं, फाइबर यानी कि रेशे, धागे जो है वो बहुत अनब्रोकन यानी कि ये टूटते नहीं है, बहुत स्ट्रांग होते हैं और लंबे लंबे तैयार होते हैं। दिस थ्रेड्स आर ट्विस्टेड टू ऑब्टेन यार्न, और फिर इन जो है थ्रेड्स को ट्विस्टेड यानी कि ऐंठ कर जो है यार्न यानी कि जो है रस्सी या जो है धागा बनाया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल आर यूज टू मेक थ्रेड्स ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज। दिस डिफरेंट थ्रेड्स हैव बीन नेम्ड वेरियस एज डेक्रॉन, टेरिलिन, टेरिन एक्सेट्रा। और इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट केमिकल का यूज करके जो है डिफरेंट टाइप प्रॉपर्टीज के थ्रेड बनाए जाते हैं हमें, यानी जिस काम के लिए बनाना है, कपड़ा अगर यूज बनाना है, बेडशीट बनानी है ना, तो जिस जिस यूज हमें जैसा जैसा यूज करना है उसके हिसाब से केमिकल डाल के जो है इस तरीके के हम सिंथेटिक फाइबर्स तैयार कर सकते हैं। ये पिक्चर में देखिए डेक्रॉन यानी टेरिलिन, ये सब एक ही तरीके के हैं फाइबर। तो इससे क्या बनाया जाता है? ड्रेस मटेरियल बनाया जाता है, रोप्स, रस्सी बनाई जाती है, सेल्स, सेल्स यानी होता है वो जो तो बोर्ड दिख रही है, बोर्ड के ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है ना, तो वो कपड़ा भी जो है वो टेरिलिन से बनाया हुआ है। ये बॉटल, हम लोग जो पानी बॉटल खरीदते हैं ना, पानी जिसमें होता है वो जो बॉटल है वो भी बनाने के लिए टेरिलिन का ही यूज किया जाता है।
साड़ी, ये जो साड़ी है ये भी तैयार की जाती है। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट, ये ऑब्जेक्ट्स जो है, वस्तुएं जो बनाई गई है, सॉक्स, शर्ट, ये ट्रैक सूट्स, कर्टन्स, रोप, ब्लैंकेट्स, ये सब किस, ये जो है आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक फाइबर से बनाई गई चीजें हैं। तो ये आपको समझ में आया सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? ओके, इसमें हमने दो न्यू वर्ड देखे, हाइड्रोकार्बन और पॉलीमर चेन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सब्सटेंस ऑब्टेंड बाय मिनरल ऑयल। तो मिनरल ऑयल मतलब होता है खनिज तेल, जैसे हम लोग खाने के लिए जो ऑयल यूज करते हैं है ना, और गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, दैट आर द काइंड्स ऑफ मिनरल ऑयल। तो इससे मिनरल ऑयल्स में हाइड्रोकार्बन नाम का तत्व पाया जाता है, वो होता है हाइड्रोकार्बन। तो वो उसका यूज जो है, ये जो सिंथेटिक फाइबर है डेक्रोन, टेरिलिन, टेरेन, इसके लिए यूज किया जाता है। सेकंड है पॉलीमर चेन्स। मैंने बताया पॉलीमर चेन्स क्या होता है, लॉन्ग कंटिन्यूस चेन फाउंड बाय स्मॉल इंटरलिंक केमिकल यूनिट्स। ऐसी एक लॉन्ग चेन होती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की, तो वो एक चेन जब बन जाती है, एक बड़ी चेन बन जाती है, एक बड़ा मॉलिक्यूल जब बन जाता है, तो उसे कहते हैं पॉलीमर, पॉलीमर चेन, है ना। तो बच्चों अभी हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा, तो सिंथेटिक फाइबर यूज करने के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। तो ये हम देख लेते हैं कि फायदे और नुकसान कौन कौन से हैं। ओके, तो ये देखिए एडवांटेजेस पहले हम देखते हैं। द फाइबर कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ मास स्केल। ये जो सिंथेटिक फाइबर है, ये हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर जो है इसका मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। दे कॉस्ट लेस, उसकी कीमत भी कम होती है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, और वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और बहुत समय तक टिकते हैं, है ना। हम लोग जो देखो स्पोर्ट्स के लिए जो कपड़े यूज करते हैं वो कितना मजबूत होता है ना। हाँ, फिर दे कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम। दे आर वाटर रिपेलेंट, हैंड्स डू नॉट रॉट और गेट वेट, दे ड्राई इजिली। और वो वाटर रिपेलेंट होते हैं, वो पानी नहीं सोखते हैं, इसीलिए क्या होता है वो जल्दी सड़ते भी नहीं हैं और ज़्यादा गीले भी, ज़्यादा देर तक गीले भी नहीं रहते हैं और बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, है ना। स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो होता है आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी सूख जाता है। दे आर लाइट वेट एंड कम्फर्टेबल टू वियर, और वो बहुत लाइट वेट होते हैं, हल्का वजन होता है और पहनने के लिए बहुत कम्फर्टेबल रहता है। एज दे हैव अ शाइन, दे एनहांस द अपीयरेंस ऑफ वियरर, और वो बहुत शाइनी होते हैं, ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, इसीलिए वो जो जो भी व्यक्ति उसे पहनता है तो उसका जो अपीयरेंस है यानी जो बहुत उठकर दिखता है ना, बहुत अच्छा दिखता है। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम दिस थ्रेड्स आर रिंकल फ्री एंड स्क्रेच फ्री, और ये जो क्लॉथ है इसमें ज़्यादा रिंकल नहीं आती, ऐसे जो मोड़ आती है ना कपड़े में, ऐसे सलवटें आ जाती है, तो वो भी इन कपड़ों में नहीं आती, इन कम एज कम्पेयर टू कॉटन, है ना। कॉटन के कपड़े आप देखेंगे थोड़ा सा भी अगर वो हुआ तो उसमें सल पड़ जाती है ना, तो वो इसमें नहीं होता। अब इसमें देखेंगे कि इसके शॉर्ट कमिंग क्या है, मतलब नुकसान क्या है। दे आर वाटर रिपेलेंट, हैंस डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम द स्किन। तो ये क्या होता है, वाटर रिपेलेंट यानी कि पानी नहीं सोखता, इसीलिए हम अगर ज़्यादा देर तक पहनेंगे, अगर गर्मी के सीजन में पहनेंगे तो ये हमारे शरीर का जो स्वेट है, पसीना, ये नहीं सोखता है ना, इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। कंटिन्यूस यूज ऑफ क्लॉथ मेड फ्रॉम दिस थ्रेड्स कीप द स्किन मॉइस्ट, विच मे कॉज स्किन डिजीज। अगर हम इसे लंबे समय तक अगर पहन कर रखेंगे ये जो सेंथेटिक क्लॉथ है कपड़े, तो उससे हमारी स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सिंथेटिक क्लॉथ्स आर अनकंफर्टेबल टू वियर स्पेशली इन समर, समर सीजन में यूज करने के लिए, गर्मी के सीजन में यूज करने के लिए सिंथेटिक क्लॉथ बिल्कुल भी ठीक नहीं होते, क्योंकि ये पसीना नहीं सोखते है ना, इसीलिए समर सीजन में बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। सिंथेटिक फैब्रिक कैच फायर इजिली, और जो सिंथेटिक क्लॉथ होते हैं है ना, अपने लिए जो टेरिकॉट के जो कपड़े होते हैं पॉलिस्टर के, वो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, और अगर ऐसी आग में अगर हमें कभी ऐसे अगर कभी ऐसा इंसिडेंट हो गया तो वो क्या होता है, कपड़ा हमारी स्किन से वो चिपक जाता है ना, और उससे हमें और ज़्यादा सीरियस जो है इंजुरी भी हो सकती है। और सिक्स है दिस फाइबर्स आर नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये जो फाइबर है ये जब यूज हो गया फिर हम इसे जब फेंक देते हैं तो इसे इसका जो है अपघटन यानी कि अगर वो जल्दी सड़ता गलता नहीं, वो वैसे के वैसे ही पड़ा रहता है ना,
ये एक उसका नुकसान है। जैसे कॉटन जो है वो जल्दी मिक्स हो जाकर मिट्टी में वो उसका आपका डिकम्पोज यानी कि अपघटन हो जाता है, उसमें वो डिजोल्व हो जाता है, तो ये उसमें नहीं हो पाता, जो सिंथेटिक फाइबर से वो नहीं हो पाता। तो ये हमने देखा कि एडवांटेज और शॉर्ट कमिंग यानी डिसएडवांटेजेस क्या है सिंथेटिक फाइबर के। एंड देन हमें ये चैप्टर पढ़ने के बाद में कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इज सेव ट्रीज टू सेव नेचर, सेव पेपर टू सेव ट्रीज, यूज पेपर प्रॉपरली एंड इकोनॉमिकली, मेक फुल यूज ऑफ इट हैड, रिसाइकल द यूज पेपर। हमें अगर पर्यावरण को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, तो पेड़ बचाने होंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेपर्स बचाने होंगे। तो हम जो जो पेपर यूज कर रहे हैं स्टडी के लिए, उसे बहुत ही इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक यानी कंजू यानी बहुत ही सोच समझ कर यूज करना पड़ेगा, है ना। और ट्राई करना है कि हमें ये पेपर को रिसाइकल कर सके, इसलिए रद्दी वाले के पास ये दे देना चाहिए। ऑल दो देयर आर सम डिसएडवांटेज इन यूजिंग सिंथेटिक फाइबर, दे कैन बी यूजफुल इफ दे आर यूज इन द प्रॉपर वे, दे रिड्यूस द लोड ऑफ ऑन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमने देखा कि ये जो सिंथेटिक फाइबर है जो मैन मेड है, वो उससे हमें कुछ नुकसान है ना। नुकसान तो होते ही है, हम इसे बार बार यूज नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम इसे प्रॉपर वे में यूज करें तो ये क्या करेगा, जो हमारे नेचर पर जो लोड हो रहा है ना, नेचर पर लोड यानी कि हम लोग जो पेड़ काट रहे हैं बनाने के लिए, है ना, तो ये जो लोड है वो कम कर सकते हैं अगर हम सिंथेटिक फाइबर का यूज तरीके से कर पाए। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है बच्चों। हाँ, तो हमने ये लास्ट वीक में और अभी जो है आज के टॉपिक में हमने तीन चीजें सीखी है। हमने सबसे पहले देखा कि सब्सटेंस के दो टाइप होते हैं, मैन मेड एंड नेचुरल। और जो नेचुरल मटेरियल होता है वो बायोटिक होता है और अबायोटिक होता है। बायोटिक जो है वो प्लांट ओरिजिन होता है या तो फिर एनिमल ओरिजिन, है ना, या तो हमें पेड़ पौधों से वो सब्सटेंस मिलते हैं या तो फिर क्या होता है प्लांट से मिलते हैं, तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। जैसे प्लांट से क्या मिलता है, कॉटन मिलता है, जूट मिलता है ना, और एनिमल से जो लेदर है, वो चमड़ा जो है वो एनिमल से मिलता है। ये हमने देखा। रबर पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर आर इम्पोर्टेंट मैन मेड मटेरियल इन आवर डेली यूज। हमने देखा कि हमारे डेली यूज में रबर पेपर और सिंथेटिक फाइबर का कितना ज़्यादा यूज हो रहा है, ये हमने देखा। और थर्ड देखा, मैन मेड मटेरियल आर ऑब्टेंड बाई यूजिंग सर्टन प्रोसेस। जो मैन मेड मटेरियल है, जैसे हमने अभी देखा पूरा सिंथेटिक फाइबर हमने देखा, ये सब क्या है, एक प्रोसेस होती है इसकी, केमिकल प्रोसेस होती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कंपनियां होती है, इसमें ये बनाया जाता है। तो इतना सब चीज ये जो है टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर किया है। समझ में आया बच्चों, टॉपिक समझ में अगर कुछ नहीं समझा हो बच्चों आप पूछ सकते हैं, या तो फिर ये होमवर्क है, आपको ये होमवर्क करना है। होमवर्क में क्या है, व्हाट आर वी यूज्ड फॉर, मतलब हम ये जो नीचे दिए गए जो सब्सटेंस है वो किस लिए यूज करते हैं। फर्स्ट है सॉइल, सेकंड है वुड, सी है नायलॉन, सी है पेपर और ये है रबर। यानी जो इतनी जो चीजें हैं जिसका हम लोग किन किन आवश्यकता की पूर्ति के लिए यूज करते हैं, फॉर विच पर्पज वी यूज दिस थिंग। बच्चों होमवर्क लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, और कुछ क्वेश्चन हो आज हमने जो पढ़ा टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं अभी, ठीक है। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ बच्चों, सर, हाँ बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा आप थोड़ा कोई बताएगा मुझे एक एक करके। सबसे हाँ सर, पहले सबसे पहले हम लोग रबड़ सीखे, रबड़ कैसे बनाते हैं, फिर वेरी गुड, फिर पीटते होता है, फिर उसके उसके नीचे बाद लगाते पेपर, हैं, फिर उसके बाद उसको छानते हैं, फिर उसको ऐसा रोलर करके फिर उसको ऐसा टांगते हैं, पेपर झुला बनाते लेते हैं। तो फिर हाँ उसका हल्दी में दोनों मिला के फिर ऐसा आग में डाल देते हैं, फिर वो रबड़ बन जाता है वेरी जो गुड, वेरी जो गुड। गाड़ी में लगता है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट हमने क्या सीखा है पेपर के बारे में, हमें पेपर जो है बहुत ही सोच समझ कर यूज करना हाँ, खराब चाहिए, है करना, ना। बचत बचत करनी चाहिए। हाँ, अभी इसके बाद आप पेपर नहीं फाड़ोगे ना। हाँ सर,
हाँ ओके वेरी गुड। तो बच्चों ये होमवर्क लिख लो, व्हाट आर वी यूज्ड फॉर, हम इन चीजों का किस लिए उपयोग करते हैं। पहला है सॉइल, सॉइल यानी सर। मालूम है ना, सॉइल यानी मिट्टी। हाँ सर। मिट्टी से हम लोग बर्तन बनाते और हैं, बर्तन सुंदर। बनाते, वेरी गुड वेरी गुड फिर गुड गुड गुड। मूर्ति बनाते और वुड, वुड यानी हैं सर। लकड़ी। लकड़ी, लकड़ी हाँ का, लकड़ी को हमें लगाना चाहिए, उसको काम पड़ने पर ही काटना चाहिए। हाँ, और लकड़ी से क्या क्या बनाते हैं वो हमें लिखना है, हम लोग किस लिए यूज लकड़ी से करते हैं। पेपर बनता है, फिर रबड़ बनता है। हाँ नायलॉन, नायलॉन का हमने देखा अभी, नायलॉन के किस लिए यूज होता है ना, कपड़े बनाए जाते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, छतरी बनाई जाती है, कपड़े रस्सी बनाए बनाई जाती है। ओके वैसे पेपर का यूज हमने जाते देखा, पेपर किस किस लिए यूज किया जाता है वो भी हमने हैं। देखा। हाँ हाँ रबर, रबर किस लिए यूज किया जाता है वो भी हमने देखा, देखा एक ना, बार में लगाने वाला है तो जो हम लोग पढ़ाई में लेते हैं। वो रबर। और जो टायर्स बनाए जाते हैं वो भी रबर होता है। हाँ और यस हमारे सर। जो हम लोग जो चप्पल पहनते हैं, सैंडल या शूज जो पहनते पहनते जूता हैं उसमें भी रबर पहनते होता है। उसमें भी रबर रखता है। हाँ तो ये सब आपको एक एक करके इसके आंसर लिखने हैं। ओके बच्चों, हेलो, हाँ सर। हाँ। और ये जो मैंने पढ़ाया आज, आप उसको बुक चैप्टर नंबर 6 है, आप फिर से इसको रीडिंग करो, ठीक है। तो डिफिकल्टी हो तो आप नेक्स्ट लेसन में आप पूछ सकते हो। ओके हाँ, अभी हम फिर ये यस लेसन सर। यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।